मेरा ये मतलब नहीं था। तुम अमीर घर की लड़की हो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये सोचकर मैंने ऐसा कह दिया। वरना अगर मैं चुटकी बजा दूं या सिर्फ सोच लूं तो हजारों लड़कियां पीछे पड़ जाएंगी। जानती हूँ, मैंने लिफ्ट में देखा था, फ्रॉड हो तुम। हे, मुझे फ्रॉड बोल रही हो? कभी अपनी शक्ल देखी आईने में? सड़क पे चलते हर आदमी को आई लव यू ऐसा क्यों कहती हो तुम? जंगली बिल्ली कहीं की? जंगली बिल्ली कहा तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी। तुम आवारा हो, निकम्मे हो। निकम्मी तू, निकम्मा तेरा बाप, उसको अपने गले में लटका के घूमना। जंगली बिल्ली जैसे हरकतें करेगी तो जंगली बिल्ली कहूंगा ना। अरे जाओ यार, जस्ट गेट आउट। इतने ड्रामे के बाद तू बजट के प्लानिंग की बात ऐसे कर रहा है जैसे तुम दोनों सच में पति पत्नी हो, बस इसी की कमी रह गई थी। मुझे क्यों मार रहा है? मनहूस कहीं का, तेरे उस सड़े हुए लव लेटर की वजह से ये सब हुआ है। जो हो गया उसके बारे में छोड़, अब ये बोल आगे क्या करेगा। कल सुबह तलाक ले लूंगा उससे। क्या कहा, कल शादी की और आज तलाक चाहते हो? ये नहीं हो सकता। सर सर, ये बहुत जरूरी है सर, जिंदगी और मौत का सवाल है, प्लीज सर। देखो बनी, शादी मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में हुई है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर तलाक चाहिए तो कम से कम एक साल इंतजार करना पड़ेगा। पूरे एक साल? तुझे क्या लगता है डिवोर्स हलवा इतनी आसानी से नहीं मिलता? ये रूल्स कितने अजीब है ना। और क्या? क्या हुआ, तुम लोग खड़े क्यों हो गए? अच्छा तू तू है? आप हो, मैं तो खामखा डर गया था। मुझसे डर नहीं लगता तुझे? सर आपसे डर कर तो मैं कांप रहा हूँ। कांप रहा हूँ? सीधा खड़ा रहा है, काफी ओवर एक्टिंग हो गई। तूने उस सूर्य नारायण की बेटी से शादी कर ली, वो मुझे बर्बाद करने की धमकी दे रहा है। आधे घंटे का टाइम है तेरे पास, ये खोली नौकरी छोड़नी होगी तुझे। सर ये तो नाइंसाफी है। चुप कर बाजवट, सुनो अगर ये आधे घंटे में नहीं गया तो तुम लोगों का भी पत्ता कट गया। लेकिन सर, जाकर डूब मार। देखा यारो, लोमड़ी शेर की तरह दहाड़ रही थी। अरे यार, लेकिन अब मैं जाऊंगा कहाँ? और कहाँ, डीसीपी के फ्लैट में जहाँ एक खूबसूरत आइटम तेरा इंतजार कर रही होगी। ए, कौन सी खूबसूरत आइटम? उसकी शक्ल देखी है तुम लोगों ने? छी, उसका चेहरा, बड़ी आंखें, तीखी नाक, लाल होंठ, वाकई अच्छी आइटम है यार। चुपे, खूबसूरती से क्या होता है, तमीज का क्या? जब देखो चिल्लाती रहती है। कैसे एहसान फरामोश हो तुम, मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प की और जब मुझे हेल्प चाहिए थी तो तुमने मेरी वाट लगा दी। अब कुछ कहते क्यों नहीं? हेलो, सुन रहे हो क्या? क्या है? क्या क्या है? यहाँ किस लिए आए? ओ माय फ्रेंड गणेशा से मिलने। कुछ याद आया? तुम इस वक्त मेरे घर पर क्या कर रहे हो? हैं? तुम्हारे परम पूज्य पापा की वजह से मेरा घर और नौकरी दोनों गए हैं। अब तुम ही बताओ इतनी रात को कहाँ जाऊँ मैं? कहीं भी जाओ पर इस घर में नहीं रह सकते हो। ओए, तुमसे पूछ नहीं रहा, तुम्हें इन्फॉर्म कर रहा हूँ। सुनो, डीसीपी मेरी कहानी सुन के फ्लैट हो गया और उसने मुझे ये फ्लैट दिया था। उससे मेरी शादी होती तो ये फ्लैट मेरा होता। हुई तो नहीं ना, अब तुम मेरी बीवी हो। ये बीवी बीवी बोलना बंद करो। देखो, फ्लैट पे जितना तुम्हारा हक है उतना मेरा भी हक है। तुम वहाँ रहोगी, मैं यहाँ रहूंगा, बीच में बॉर्डर होगी। बहुत हुआ, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। उस वक्त कुछ और कहा था और अब कुछ और। सबसे पहले मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। उसके लिए आपको एक साल इंतजार करना पड़ेगा। मतलब एक साल तक तुम यहीं पर रहोगे? तुम और मैं एक ही छत के नीचे? नहीं हो सकता, तुम जैसे फ्रॉड के साथ मैं नहीं रह सकती। ए, ख्याली पुलाव मत पकाओ। सुन लो, चाहे भूकंप आ जाए, चाहे बाढ़ आ जाए, तुम दुनिया में अकेली लड़की होगी ना तो भी तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगा। थैंक्स। वैसे इस साड़ी में बहुत हॉट लग रही हो तुम। मधु, तुम्हारी दादी। मधु, बेटी मधु, कैसी है तू? रो क्यों रही है बेटा? मैंने कोई गलती नहीं की है दादी, मैं उससे प्यार नहीं करती। जानती हूँ बेटा, मैंने तुझे बचपन से पाला है। ये ले, इसे रख ले। पता है, इसे मैंने तेरी शादी के लिए बनवाए थे। ये तेरी शादी में तो काम नहीं आए, कम से कम तेरी पढ़ाई में तो काम आ जाए। रख लो इसे, अब आंसू पोछ। एक बात बता, मैं परदादी कब बनूंगी? कभी नहीं। गुस्सा क्यों हो रही है? मैं अभी के लिए नहीं, पढ़ाई के बाद के लिए बोल रही हूँ। आप घर जाती है या नहीं? ओ
मधु की कॉलेज और हॉस्टल फीस के लिए इन्हें बेचना है भैया। ठीक है, बाय मधु। बाय। हॉस्टल शिफ्ट होने की अभी क्या जरूरत है? वो लुच्चा लफंगा मेरे साथ ही रह रहा है, मुझे उससे छुटकारा मिल जाएगा इन पैसों से। तेरे पापा को इस नाटक का पता चला तो वो तेरी शादी करा देंगे। ये तो सच है, पर मैं उस राक्षस के साथ रही तो मेरे दिमाग का फ्यूज उड़ जाएगा। दिमाग भी फ्यूज होता है क्या? हाँ, तुम्हारा दिमाग तो पहले से ही फ्यूज है। ये तो हम पर छोड़ दे, हम उसे इतना टॉर्चर करेंगे कि वो भैंस के डब्बे में बैठकर अपने गांव निकल लेगा। ओके। मधु, बनी आया। मैं चश्मा लगा के आया, लिफ्ट के लिए इस्तेमाल करना तुम मना कर देना। माँ जी आ जाइए, मैं छोड़ देता हूँ। अरे आप आराम से बैठिए। चुग चुग जी। माँ जी यहाँ से 11 नंबर की बस पकड़िए और निकल लीजिए। अरे तो वहाँ से क्यों लेकर आया? यहाँ क्या बस स्टॉप तेरा बाप बनवाएगा है? बता क्यों लेके आया मुझे? मिसेस बनी, मिसेस बनी। क्या मिसेस बनी, मिसेस बनी लगा रखा है क्या? मैं तो ये बताना चाह रहा था कि आपके पति बेवफा हो गए हैं। तो मैं क्या करूँ? क्या जमाना आ गया? ये सब, ये तो मैं भी पूछ सकता हूँ, क्या चल रहा है ये सब? जंगली बिल्ली का जंगली डांस। हे डार्लिंग, सुपर्ब डांस। हाँ, मुझसे मुकाबला करेगी। ये प्लान था, ऐसे सुधरेगा वो? उसे समझने में हमसे भूल हो गया, वो तो बहुत ही कूल और स्मार्ट है। शट अप, गेट आउट। हेलो, हाय टीना, डिस्को तक जाना है? अरे क्यों, मेरे फ्लैट पे आ जाओ। 50 लोग? नो प्रॉब्लम, 100 भी चलेंगे, आधा फ्लैट खाली है। लेट्स हैव अ पार्टी। या ए, तुम यहाँ पार्टी करोगे? आउट, बॉर्डर क्रॉस मत करो, आउट। उस दिन पड़ोसी शिकायत कर रहे थे कि यहाँ पर बहुत सी लड़कियाँ आती हैं। तुमसे मिलने में तो बहुत सी लड़कियाँ आती हैं, तब तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तुझ में और मुझ में बहुत फर्क है। ओके, लीव इट, एक अग्रीमेंट करते हैं। आज के बाद इस फ्लैट में ना तो तुम्हारे दोस्त आएंगे ना ही मेरे। ओके ओके, मुझे इन दोनों सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो। hey, अगर मैं उस बनी को मारकर अपनी बेटी को वापस ले आऊं तो तुम उसे अपनी बहू बना लोगे? सूर्या, आधी रात हो गई है, हम लोग सुबह बात करते हैं। सुबह नहीं, अभी। सूर्या, तू मेरा यार है, एक बार तुझसे वादा कर दिया तो समझ ले मरते दम तक निभाऊंगा, तेरी बेटी ही मेरी बहू बनेगी। ठीक है? ठीक है दोस्त। नींद खराब करते। डीसीपी, बनी के पहले तेरा नंबर। अच्छा हुआ तू आ गया। अरे तुम लोग यहाँ, चलो ऊपर फ्लैट में चलते हैं। यार बनी, तेरी बीवी तो बदतमीज है, उसने हम सबको घर से हकाल दिया। इतना ही नहीं, इस गंजे को उसने गंजा तक कह दिया। तुम्हें गंजा कहा उसने? हाँ बोला। गंजा बोला उसने तुम्हें? हाँ बोला बे। तुम्हारी ये हिम्मत, ये
क्या कहा मेरे दोस्तों को? उन्हें जाने को कहा। ऐसा क्यों कहा तुमने? उन्होंने हमारे बीच के अग्रीमेंट को तोड़ा, इसीलिए जाने को कहा। ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? यह हक तुम्हें किसने दिया? ये सब मेरे दोस्त हैं, इन्हें निकालने का हक सिर्फ मेरा है। तुमसे बाहर निकलो, चलो चलो निकलो। इसने क्या कहा सुना नहीं? हिंदी समझ में नहीं आती क्या? तू भी उसके सामने हमारी बेइज्जती करेगा भाई। चलो चलो निकलो, जाओ जाओ जाओ। ठीक है दोस्त। मधु, अच्छा किया इन्हें भगाकर। ये निकम्मे एक बार में समझते नहीं, इसीलिए ये बाद इनके भेजे में घुसाने के लिए फिर लिया है। वैसे भी ये बेकार आवारा नाकारा दोस्त किसी काम के नहीं है। इससे तो अच्छा है तुम रो क्यों रही हो? बेवफा हर जाए, पीठ पीछे हमारी बुराई करता है, बिना तलाक के तू बर्बाद हो जाएगा। ये मेरा श्राप है तुझे। उस मोटे को क्यों नहीं देख पाया? मैंने देखा था। तो कुछ कहा क्यों नहीं? इसलिए कुछ नहीं कहा ताकि वो तुम्हारी असलियत देखे। गुस्सा मत करो, ये खाओ। ऐसे सड़े हुए पास्ता को कुत्ते भी नहीं पूछेंगे। तभी तो तुम्हें दे रही हूँ। पिज्जा के 300। ये सब क्या है? क्या हुआ सर? वहाँ देखो। नहीं नहीं, शादी हुई है तो क्या हनीमून यहाँ मनाओगे? जाओ उसकी होम डिलीवरी कर दो। अभी करता हूँ सर। हाँ। हे, यहाँ क्यों आई हो? घर पर झगड़े होते हो, कम नहीं है क्या? ओ हेलो, डीसीपी आ रहा है इसलिए मैं यहाँ पर बैठी हूँ। अरे चुप, क्या दिन भर रट लगाए रहती हो? डीसीपी 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 सर कहो, उन्हीं की वजह से तो आज हम साथ साथ खुशी से रह पाते हैं, उन्हें थैंक्स कहना चाहिए। हा? अरे सर, आप ही की बात हो रही थी, आइए बैठिए ना। आप अचानक यहाँ पर कैसे आ गए? पिज्जा खाने आए हैं क्या? पिज्जा? मैं तो यहाँ एक जरूरी काम से आया। इनके डैड अब भी मुझसे नाराज हैं। उन्होंने मेरा ट्रांसफर करवा दिया। सर, तो क्या आप हमें मझदार में अकेले छोड़कर चले जाएंगे? डोंट वरी मैन, फिकर मत करो, मैं वापस आ जाऊंगा। लेकिन एक बात कहूं, तुम दोनों को बहुत होशियार रहना होगा। मगर हाँ, कभी कोई प्रॉब्लम हो, किसी तरह की प्रॉब्लम, मुझे एक फोन कर देना, एनी टाइम। आपके जाते ही हमारी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ओके मेरे खूबसूरत गुलाब। याद हो गया। बाय 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 सर। हाँ मधु, मैं घर की तरफ ही जा रहा हूँ। कैन आई ड्रॉप यू? सर आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं, मैं बाइक पर छोड़ दूंगा ना। ओह बाय बाय, रोमांस, गुड गुड, एंजॉय। बाय सर। क्या चालू चीज है? ये क्या था? डीसीपी के सामने क्या जताना चाहते थे? उसके सामने पूछने का नाटक कर रहा था। तुम क्या एसी कार में जाओगी? शक्ल देखिए, बस पकड़ो 11 नंबर की और चलती बनो। यू? अब जाओ भी।